ओके सो वेलकम बैक गाइस टू एजे रॉक चैनल। दिस इज एजे एके अर्जुन और आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं रेजिडेंट ईवल विलेज के अनाउंसमेंट ट्रेलर का रिएक्शन वीडियो, वो भी हिंदी में। सुबसा देना कहते हुए लेट्स बिगिन गाइस। ओके स्टोरी कम्स टू ए क्लोज। ओके किसकी स्टोरी भैया? A young girl went with her mother to pick berries for her father, who was hard at work. Let me turn on the subtitles. But the forest greeted them with a dark, cold silence. The bushes empty. Yet determined to find the berries, the rascal broke free of mother's grasp and vanished into the trees. ये Resident Evil 7 वाला घर लग रहा मुझे। As the girl ran on, over vine, under branch, and into the forest deep. Okay. What is it with that creepy story? It's just a local tale. You're really into that stuff. Quit being so paranoid. Friendly. Okay. Who are you? Who sent you? The game is going to be in first person. They're coming. Who is? Phone aa raha bhaiya? Okay. Open locations. ओ भैया ये क्या? विलेज। ओके सो इट्स एक्चुअली रेजिडेंट ईवल 8 बट दे आर कॉलिंग इट रेजिडेंट ईवल विलेज। सॉरी इधर। What? Why? Chris is the villain in this game. Coming 2021. PlayStation. Okay. तो guys, अगर मैं आपको अपना first opinion बताऊँ ना इस trailer को देखने के बाद, तो मैं बोलूँगा एकदम डांसू, बोले तो एकदम चकास। पर guys बात वही आ जाती है कि जो हम देख रहे हैं इस ट्रेलर में, क्या पूरा का पूरा गेम ऐसा होगा भी या नहीं? क्योंकि गाइस कुछ इसमें स्लाइड से ऐसे, ये जैसे कि ये है, ये शॉट है, ऐसे भी शॉट्स हैं जो कि ओपन एरियाज के हैं, और ऐसी फीलिंग आ रही है मुझे पर्सनली, एक ऐसी वाइब आ रही है जैसे कि मेट्रो एक्सोडस या कोई मेट्रो गेम हो। जैसे कि मतलब कि गाइस रेजिडेंट ईवल ओपन में अगर कोई गेम मेरे ख्याल से आज तक स्टैंड आउट कर पाया तो वो है रेजिडेंट ईवल 4। After that, no other game has managed to stand out when it comes to open areas. Even ki Resident Evil 5 जो था वो बकवास game था एकदम से, जो कि इसमें अपना Chris Redfield और शिवा थे, co-op था वो भी open area में था but बुरे तरीके से पिट गया। तो guys बात यह आती है कि क्या ये game जो है, ये जो अपना जो एक Resident Evil की जो vibe है उसे कायम रख पाएगा या नहीं, ये देखना guys काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होगा। इसके अलावा गाइस बात करें इनसाइड एरियाज की, तो वो जितना मैंने देखा जाके जो कि हमें स्टार्टिंग में दिख रहे हैं, जैसे कि ये काफी सारे एरियाज जो है हमें रेजिडेंट ईवल 7 से दिख रहे हैं, और इट इज द सीक्वल टू दैट गेम,
और इवन की डायरेक्टर्स ने भी बोला कि रेजिडेंट ईवल 8 जबकि रेजिडेंट ईवल विलेज टेक्स प्लेस ए फ्यू ईयर्स आफ्टर रेजिडेंट ईवल 7 और ईथन ही इसमें मेन प्रोटैगनिस्ट होगा जो कि मिया को बचाने जाता है इन रेजिडेंट ईवल 7 और जैसा कि हमें दिख रहा है इस ट्रेलर के एंड में कि ऐसा लग रहा है कि क्रिस जो है वो इस गेम में एक विलन होने वाला है और मुझे लगता है कि एक रिवेंज प्लॉट होगा कि कहते हैं ना कि सबका बदला लेगा तेरा भाई तो मुझे लगता है कि ईथन इस गेम में सबका बदला लेगा मतलब कि जो भी है मतलब कि विलन जो होगा मेन विलन होने वाला है इसमें क्रिस रेडफील्ड। अब ये क्रिस जो है ये एक रेजिडेंट ईवल हीरो से रेजिडेंट ईवल का विलन कैसे बन गया ये देखना पहले काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होगा। इसके अलावा गाइस बात करें और भी हमें जैसा कि इसमें दिख रहा कि हमें और भी मिनी बॉसेस हमें दिखने वाले हैं जैसे कि रेजिडेंट ईवल 7 में भी थे जैसे कि रेजिडेंट ईवल 7 में ल्यूक था इसके अलावा मामा मार्गेट थी तो इसमें भी हमें दिखने वाले हैं। और गाइस इसमें साथ में इन्होंने एक चीज़ और भी बताई है डायरेक्टर्स ने कि ये जो गेम होने वाला है मैं एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे शेयर कर दूंगा आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो गाइस इस गेम का जो इन्वेंट्री सिस्टम होने वाला है स्पेशली वो हमें जो मिलेगा गाइस वो एक नया इन्वेंट्री सिस्टम होगा और आप ये देख भी सकते हैं गाइस इन्वेंट्री सिस्टम। तो गाइस ये इन्वेंट्री सिस्टम काफ़ी हद तक रेजिडेंट ईवल 4 के इन्वेंट्री सिस्टम से जैसा लग रहा है और गाइस इट इज़ फॉर द गुड क्योंकि गाइस जो रेजिडेंट ईवल के जो रीसेंट गेम्स आए हैं इवन की रेजिडेंट ईवल 7 रेजिडेंट ईवल 2 रीमेक या फिर रेजिडेंट ईवल 3 रीमेक गाइस उन सब के जो इन्वेंट्री सिस्टम्स थे वो इतने ज़्यादा मतलब कि कॉम्प्लिकेटेड थे कि मतलब कि आपका आधा गेम यही मैनेज करने में निकल जाता था कि क्या बॉक्स में रखें क्या बॉक्स में डालें किस चीज़ को डिस्कार्ड करें मतलब कि इट वॉज़ वेरी कन्फ्यूजिंग। तो अगर बड़ा इन्वेंट्री सिस्टम होगा शुरू से एक ओपन चॉइस होगी तो गेम खेलने का जो फन होगा वो भी इंक्रीज होगा वो जो एक टेंशन होती है ना एक प्रेशर होता है कि किस चीज़ को बाहर फेंकना है किस चीज़ को डिस्कार्ड करना है वो ख़त्म हो जाएगा। तो गाइज ये काफ़ी अच्छी बात लगी मुझे। इसके अलावा गाइज ये गेम जो है 2021 में आने वाला है। तो गाइज ये गेम जो है एक मल्टी प्लेटफॉर्म गेम होगा स्टीम पे भी आएगा एक्सबॉक्स पे भी आएगा और प्ले स्टेशन पे भी आएगा। तो गाइज ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये गेम रेजिडेंट ईवल 7 से बेहतर हो पाता है और ये गेम अपने पे स्टैंड आउट कर पाता है या नहीं ये देखना गाइज काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। और गाइज मैं बिल्कुल भी वेट नहीं कर सकता रेजिडेंट ईवल विलेज या फिर रेजिडेंट ईवल 8 खेलने का। तो गाइज ये था मेरा रिएक्शन वीडियो इस अनाउंसमेंट ट्रेलर को लेके। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर ऐसा है तो इसे लाइक कीजिएगा इसे शेयर कीजिएगा और इस पर कमेंट कीजिएगा और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाता रहूँगा। तो मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर हैव अ नाइस डे एंड डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन।